तो गाइज़ वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आप सभी का दीप टेक यूट्यूब चैनल में। गाइज़ आपको इस चैनल पर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेगी, तो दीप टेक यूट्यूब चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो गाइज़ आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जियो इंटरनेट सेटिंग, ऑल सेटिंग आपको बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो इस वजह से आपको ये शुरू से लेके लास्ट तक देखनी है, तभी आप समझ पाओगे कि इंटरनेट की सेटिंग और स्पीड कैसे बढ़ाते हैं। और साथ ही गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे एक चैनल को अपना देना चाहता हूँ जो कि है गेमिंग चैनल, जिसका नाम है ई कॉम्बैट, या फिर आप माय प्ले स्टेशन भी ले सकते हो। जिस भी गाइज को गेमिंग चैनल चाहिए, जो न्यू क्रिएटर है जिनके चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं है, वो मुझे नीचे दी गई ईमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और साथ ही ये भी बता सकते हैं कि इन किस बंदे को कितनी ज़्यादा आवश्यकता है चैनल की। तो गाइज अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना होगा मोबाइल सिम कार्ड एंड मोबाइल डाटा। तो इसमें आना है आपको। इसमें आने के बाद सबसे पहले आपको ये चेक कर लेना है आपका इंटरनेट जो है वो ऑन है या नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर मोबाइल डाटा मेरा ऑफ है, तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले ही सेटिंग तो यही होगी गाइज। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सेटिंग आएगी वो है गाइस सिम सिलेक्शन की। बहुत बार होता है क्या है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो दो सिम है, हो सकता है मेरा सिम वन में नेट है और मैं सिम वन में ही यूज़ कर रहा हूँ, बट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है नेट का जो सिम एक्टिव है वो टू है, तो आपका इंटरनेट नहीं चलेगा। ऑन तो होगा बट नहीं चलेगा। तो इस वजह से आप सबसे पहले ये सिलेक्ट कीजिएगा कौन से सिम में आपने इंटरनेट डलवाया है और उसी सिम को सिलेक्ट करना है यहाँ पर, तभी आपका इंटरनेट चल पाएगा। तो गाइज अब नेक्स्ट सेटिंग की बात करते हैं डाटा रोमिंग। तो डाटा रोमिंग जो है गाइज हर एक सिम की ऑन होनी चाहिए, और ये मैं देख लेता हूँ कहाँ पे मिलेगी। तो हाँ यहाँ पे है। इसके लिए गाइज आपको आना होगा सिम में। सिम में आने के बाद डाटा रोमिंग आपको ऑन कर लेनी है। इसका बेनिफिट ये होता है, अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हो तो आपका इंटरनेट एक्सेस मांगता है दूसरे स्टेट का, तो डाटा रोमिंग अगर आपका ऑन है तो आपका 24 घंटे नेट ऑन रहेगा। अगर आपका ये ऑफ है तो आपका जैसे ही आप रोमिंग में जाओगे तो आपका जो इंटरनेट है वो बंद हो जाएगा। और आप ये सोचोगे कि मेरा जो इंटरनेट है वो एक्टिव है बट चल क्यों नहीं रहा है, तो इसका रीज़न गाइज यही होता है डाटा रोमिंग। तो डाटा रोमिंग आपको ऑन कर लेना है, ये हमेशा आपको ऑन होना चाहिए, तभी आपको पता चल पाएगा होगा हमेशा आपका इंटरनेट जो है एक्टिव रहेगा। तो गाइज एक और सेटिंग है वाईफाई कॉलिंग की। तो वाईफाई कॉलिंग आप भी आपकी ऑन होनी चाहिए। अगर आपके डिवाइस में वाईफाई कॉलिंग का फीचर्स जो है अवेलेबल है तो वाईफाई कॉलिंग को आपको एक्टिव रखना है। इससे बेनिफिट ये होगा, बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर इंटरनेट या फिर जो नेटवर्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, और वहाँ पे आप अगर अपने फ़ोन को वाईफाई से अटैच करते हो तो आपके फ़ोन में एक वाईफाई कॉलिंग का फीचर्स ओपन हो जाएगा तुरंत ही, और आप वाईफाई से आराम से कॉल कर सकते हो। अगर आपके नेटवर्क काफ़ी ज़्यादा वीक है, नेटवर्क वीक होने की वजह से आपकी जो वॉइस है वो कट होगी, इनकमिंग वॉइस जो है वो भी कट होगी, तो वाईफाई कॉलिंग से आपकी जो आउट गोइंग और इनकमिंग वॉइस है वो बिल्कुल भी कट नहीं होगी, तो इसको भी ऑन कर लेना है। और गाइज लास्ट जो हमारी सेकंड लास्ट सेटिंग है वो है कैरियर। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे, आपने देखा होगा जब भी मैं इसको ऑटो सेलेक्ट से ऑफ करूँ तो यहाँ पे कई सारे नेटवर्क जो है ओपन हो जाएंगे, बट गाइज आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ऑटो पे सेलेक्ट रखना है हमेशा, क्योंकि ऑटो सेलेक्ट का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है जौन सा भी नेटवर्क आपके एरिया में स्ट्रॉन्ग होगा ऑटो सेलेक्ट उसको ऑटोमेटिक अपने में ले लेगा, तो ऑटो पे आपको हमेशा रखना है। अब गाइस नेक्स्ट सेटिंग के बारे में बात करते हैं जो कि है इम्पोर्टेंट, और ये है एक्सेस पॉइंट। तो एक्सेस पॉइंट नेम में आपको जाना है, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। डिफ़ॉल्ट एपन से आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है, तो प्लस के आइकन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक न्यू एपन देना है। तो जैसे कि गाइस मेरा जो आज आप देख रहे होगे यहाँ पे डिस्प्ले जो है थोड़ी सी अलग दिख रही होगी आपको, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरा फ़ोन जो है अपग्रेड हुआ है, अपडेट हुआ है। तो अपडेट होने के बाद ये एंड्रॉयड 9 से एंड्रॉयड 10 में चला गया है। इसमें पहले वर्जन जो था कलर OS का था और अब हो चुका है रियलमी UI का। तो इस वजह से गाइज इसमें काफ़ी सारे न्यू फीचर्स आए, आप देख भी सकते हो, आपको पहले ऐसा नहीं दिखता होगा मेरे डिस्प्ले पे, बट अब जो है चेंज हो चुका है। तो अब गाइज APN की बात करते हैं, तो APN में सबसे पहले आएगा नेम। तो नेम में आपको यहाँ पर क्या लिखना है गाइज, सबसे पहले आपको लिखना है LT स्पेस मानसून। तो गाइज़ आपको LT मानसून स्पेस
लाइट ये लिखना है, लिखने के बाद ओके करना है। ओके करने के बाद एपीएन आएगा, तो एपीएन में आपको यहाँ पे लिखना है जियो नेट, जियो नेट लिखना है। अगर आपके पास अदर नेटवर्क है, वोडाफोन है, तो वोडाफोन डॉट नेट या फिर www लिख सकते हो। आइडिया वाले यहाँ पे इंटरनेट लिख सकते हैं, और गाइज एयरटेल वाले यहाँ पे लिख सकते हैं airtel.gprs.com। BSNL वाले यहाँ पे लिख सकते हैं BSNL.net। लिखने के बाद आपको सेव करना है, बाकी सेटिंग आपकी सब कुछ सेव रहेगी। प्रॉक्सी पोर्ट नो सेट रहेगा। यूजर नेम पे आते हैं, तो यूजर नेम में गाइस आपको लिखना है स्पेशल डॉट लाइट 2020। तो गाइस जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको सेम टू सेम मैसेज लिखना है और इसको भी ओके कर देना है। फिर नेक्स्ट आएगा पासवर्ड, आपका नो सेट रहेगा। सर्वर में आपको यहाँ पे लिखना है www.jio.com। चाहे गाइज आपके पास कोई भी नेटवर्क हो, आपको सर्वर यही देना है jio.com का। अगर आपके पास आइडिया है या वोडाफोन एयरटेल है, अगर आप सोच रहे हो कि जियो का सर्वर नहीं देना है, बट ऐसे नहीं है, आप इसका सर्वर दे सकते हो। तो इसका देने के बाद सेव कर लेना है। MMSC, MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, ये तीनों नो सेट रहेंगे। MCC, MNC आपका एरिया कोड है, इसको बिल्कुल भी छेड़खानी ना करें, अदरवाइज़ आपका एपीएन सेव नहीं होगा। अगर सेव हो भी गया तो आपका इंटरनेट जो है वो बहुत ही स्लो स्पीड में चलेगा। तो नेक्स्ट सेटिंग आती है गाइज एपीएन टाइप की, तो एपीएन टाइप पे आपको क्लिक करना है और लास्ट वाले पे क्लिक करना है PAPO CHAPP पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आता है एपीएन टाइप, तो एपीएन टाइप में आपको यहाँ पे टाइप करना है डिफॉल्ट कॉमा MMS, तो आपको यहाँ पे ये टाइप करना है। इसके बाद नेक्स्ट आएगा एपीएन प्रोटोकॉल। एपीएन प्रोटोकॉल में गाइज आपको क्लिक करना है लास्ट वाले पे IPv4/IPv6 पे। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी आपको IPv4/IPv6 पे क्लिक करना है। लास्ट आएगा गाइज, जो कि लास्ट सेटिंग है BHAGR की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। सबसे पहले ही आपको अनस्पेसिफाइड पे टिक मिलेगा, उसको अनटिक करना है। अनटिक करने के बाद आपको चूज़ करना है यहाँ पे LTE के बाद चूज़ करना है EDG, GPRS, EHRPD, EVDOA, IS95A। तो गाइज ये सब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने है। अगर आपकी डिवाइस में एक से ज़्यादा सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो गाइज आपको LTE सेलेक्ट करना है, ओनली LTE, और आपको बैक आना है, इस APN सेटिंग को सेव करना है। सेव करने के बाद आपको इस वाली APN सेटिंग पे क्लिक करना है। इस दौरान आपका इंटरनेट जो है जा सकता है, APN भी जा सकता है, बट टेंशन वाली कोई बात नहीं है, कुछ ही टाइम बाद वापस भी आ जाएगा। तो यहाँ पे मेरा इंटरनेट APN सब कुछ अटैच है, और इससे जो है गाइज आपको अपने इंटरनेट चलाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो गाइज अब आपको आना है बैक। बैक आने के बाद अब सिंपली आप अपने फ़ोन को कर लीजिएगा यहाँ पे रिबूट या फिर स्विच ऑफ करके ऑन, तो उसके बाद ही आपको अपने इंटरनेट को यूज करना है। तो इंटरनेट यूज करने का तरीका यही होता है गाइज, अगर आप अपने इंटरनेट की सेटिंग से कुछ भी छेड़खानी करते हो, तो आपको अपने फ़ोन को रिबूट या फिर स्विच ऑफ करके ऑन कर लेना चाहिए, तभी आपका APN आपके इंटरनेट से अटैच हो पाएगा, या फिर जितने भी आपने इंटरनेट से रिलेटेड सेटिंग की है वो तभी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगी। तो आई होप गाइज ये वीडियो आपकी समझ में आई होगी, और इससे आपका जो इंटरनेट है वो काफ़ी हाई स्पीड पे चलने वाला है। तो गाइज़ आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ, तब तक सी यू लेटर, बाय।